गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे प्राणी जगत के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी सारे संघ के बारे में चर्चाएं की। ठीक है, आज हम लोग जो है पोगोनोफोरा, ठीक है, पोगोनोफोरा जो संघ है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है पोगोनोफोरा जो संघ है इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, जो पोगोनोफोरा जो संघ है इसमें अधिकतर जलीय जीव आते हैं, अर्थात वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं पोगोनोफोरा के जो जंत होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्री होते हैं। और जैसे कि मनुष्य की जो दाढ़ी नहीं होती है, दाढ़ी लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या इन्हें दाढ़ी क्रमवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाढ़ी, दाढ़ी क्रमवे बोलते हैं। ये मनुष्य के दाढ़ी के जैसी इनकी संरचना होती है, जैसे दाढ़ी के बाल नहीं होते हैं वैसे ही इनकी जो है इनके शरीर की संरचना होती है। और इनका शरीर जो है पतला नालवत होता है। इनका शरीर कैसा होता है, पतला होता है, पतला, पतला नालवत होता है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये जो जीव होते हैं ये कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और ये पतला तथा नालवत होते हैं। अगर देखा जाए तो 50 से 350 मिमी इनका शरीर क्या होता है, लंबा होता है। कितना, 50 से 300 mm इनका शरीर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है। और युक्त होता है। ठीक है, और काइटिन युक्त होता है। ठीक है, जो कि एक खोल होती है जिसमें क्या होता है, इनका शरीर बंद होता है और इसमें रोमा भी स्पर्शक उपस्थित होते हैं तथा आहार नाल का अभाव होता है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट है आहार नाल का, इसमें क्या होता है, अभाव होता है, आहार नाल का अभाव होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा पोगोनोफोरा में क्या होता है, इसमें जो जीव आते हैं वो प्रायः समुद्री होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका शरीर काफ़ी पतला नालवत होता है। नियर अबाउट देखा जाए तो 50 से 300 mm लंबा होता है और वो भी काइटिन युक्त होता है। और इनमें क्या है, इनमें आहार नाल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अर्थात यूँ कहने कि इनमें आहार नाल जो है क्या होगी, उसका अभाव भाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आहार नाल का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है ओनाइकोफोरा। नेक्स्ट क्या है, ओनाइकोफोरा, ये क्या है, ये फाइलम है, ओनाइकोफोरा है। पहला हम लोग जान गए पोगोनोफोरा फाइलम है, इसमें समुद्री जीव आते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका शरीर पतला नालवत होता है। नियर अबाउट 50 से 300 mm लंबा होता है और काइटिन युक्त होता है तथा आहार नाल का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो पेली पोलीब्रेकिया है। पोलीब्रेकिया क्या है उदाहरण, पोलीब्रेकिया
इसका उदाहरण है पोलीबैक्टीरिया, ठीक है। तो पोलीबैक्टीरिया क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है पोलीबैक्टीरिया जो उदाहरण है वो है पोगोनोफोरा का, जो है उदाहरण है पोगोनोफोरा का उदाहरण है पोलीबैक्टीरिया जो है उदाहरण है। तो इसका भी जो बेटा शरीर होता है वो कैसा होता है, दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और पतला तथा नानवर इसका शरीर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी आहार नाल का अभाव होता है, और इनका जो शरीर होता है वो एक काइटिन युक्त खोल से क्या होता है, बंद होता है। फिर उसके बाद ओनाइकोफोरा हम लोग देखेंगे, तो ओनाइकोफोरा क्या है, ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, ओनाइकोफोरा देखते हैं क्या है। तो बच्चों आप लोग ओनाइकोफोरा देखेंगे, तो ये बेटा ये बिलों में रहने वाले स्थलीय कृमि है, ये क्या है, ये बिलों में रहने वाले बिलों में रहने वाले, ठीक है, स्थलीय जीव होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बिलों में रहने वाले स्थलीय जीव होते हैं, जो किस में आते हैं, वो आते हैं ओनाइकोफोरा में। तो बेटा जो फाइलम ओनाइकोफोरा में आते हैं, इसमें कैसे जीव आते हैं, ऐसे जीव आते हैं जो बिलों में रहने वाले एवं स्थलीय जीव होते हैं। इनका शरीर लगभग 50 मिमी लंबा, इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर जो है, शरीर 50 mm क्या होगा, लंबा, ठीक है, पतला और नालवत होगा, नालवत होगा, ठीक है। तो ये क्या ओनाइकोफोरा में हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये बिलों में रहने वाले स्थलीय जीव होते हैं, इनका शरीर 50 mm लंबा, पतला और नालवत होता है, ठीक है, एवं खंड विहीन होता है, एवं क्या होता है, एवं खंड विहीन होता है, ठीक है, खंड विहीन होता है। और इसमें क्या क्वालिटी है, इसका जो अग्र छोर पर दो जोड़ी एंटीनी होती है, इसके अग्र छोर पर क्या होता है, अग्र छोर पर इसके क्या होता है, इसके अग्र छोर पर दो जोड़ी क्या है, दो जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, दो जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, ठीक है, ठीक है, दो जोड़ी क्या पाई जाती है, एंटीनी पाई जाती है, मतलब एंटीनी यूं कह लें कि जैसे कोई एनिमल है, ये जो दो जोड़ी होती है एनिमल वो क्या कहलाती है, एंटीनी कहलाती है। तो ये दो जोड़ी क्या पाई जाती है, इनमें हर छोर पर एंटीनी पाई जाती है। और इसमें क्या है, इसमें गमन 15 से 14 जोड़ी के खंडों पर होता है, ठीक है, अर्थात इनमें जो है गमन जो है 15 से 44 जोड़ी छोटे अखंडीय ये भागों में होता है। तो प्रत्येक पाद के छोर पंजे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, एकलिंगी व जरायुज होते हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं, ठीक है, एक लिंगी होंगे और जरायुज होंगे, जरायुज, ठीक है, जरायुज होंगे। तो बेटा ये जरायुज क्या है, मतलब ये इसमें जरायुज क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं
जो सीधे के सीधे किसको जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो जरायुज का मतलब ये क्या है, एक लिंगी है तथा जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है सीधे सीधे बच्चे को जन्म देना। तो जो ओनाइको फोरा है, इसमें हम लोगों ने जाना कि ये बेलों में रहने वाले स्थलीय जीव होते हैं। इनका शरीर जो है 50 से 5 mm लंबा, पतला और नालवत होता है एवं खंड विहीन। अगर छोड़ पर 2 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, एंटनी पाई जाती हैं, और ये एक लिंगी होते हैं तथा जरायुज होते हैं। तो बेटा जरायुज का मतलब क्या होता है, जरायुज का मतलब होता है ऐसे जीव जो सीधे सीधे किसको जन्म देती हूँ, बच्चे को जन्म देती हूँ। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये बच्चे को जन्म देंगी। जैसे पेरीपेटस क्या है, पेरीपेटस जैसे उदाहरण है, पेरीपेटस ठीक है, इसका उदाहरण है पेरीपेटस क्या है, इसका उदाहरण है किसका उदाहरण है, ओनाइको फोरा का जो उदाहरण है वो पेरीपेटस नामक क्या है जीव, इसका क्या है उदाहरण। इसमें भी क्या होगा, वही खूबी होगी जो हमने इसमें बताई, कैसे होंगी, ये बिल में रहने वाले स्थलीय जीव होंगे। ठीक है, और इनका शरीर भी कैसा होगा, पतला और नालवट होगा। इनके भी शरीर में क्या पाए जाएंगे, 2 एंटनी पाई जाएंगी, और ये कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे तथा जरायुज होंगे, मतलब ये सीधे के सीधे बच्चे को जन्म देने वाले होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आर्थ्रोपोडा भी कैसा है, जलीय स्थलीय व वायवीय जीव इसमें आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में क्या होगा, आर्थ्रोपोडा में भी जलीय, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जलीय तथा स्थलीय जीव पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जलीय ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जलीय स्थलीय एवं वायवीय जीव पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जलीय स्थलीय वायवीय ठीक है एवं इनका शरीर खंड युक्त तथा सिर वच एवं उदर भागों में विभक्त होगा। इनका शरीर खंड युक्त सिर में वच में तथा उदर में क्या होगा, विभाजित होगा। इसमें सिर में कॉमा वच और उदर में क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसमें जो जलीय स्थलीय वायवीय ठीक है, इनका शरीर खंड युक्त सिर वक्ष और उदर में क्या होगा, विभाजित होगा, और 4 या अधिक जोड़ी संयुक्त उपांग पाए जाएंगे। ठीक है, चार जोड़ी क्या पाए जाएंगे, इसमें संयुक्त उपांग पाए जाएंगे, और शरीर पर काइटिन युक्त उपचर्म का बाह्य कंकाल होगा,
इसके जो उदाहरण होंगे वो केकड़ा, झींगा। इसका क्या उदाहरण होगा? इसका उदाहरण होगा केकड़ा, ठीक है, झींगा, ठीक है, केकड़ा, झींगा और मक्खी, ठीक है, मक्खी। हाँ, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है, आर्थ्रोपोडा संघ के क्या है उदाहरण है? केकड़ा, झींगा, मक्खी, मच्छर, ना मच्छर भी इसके उदाहरण है, मच्छर आदि, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, पोगोनोफोरा में क्या बताया हमने? पोगोनोफोरा में हमने बताया कि ये समुद्री दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका शरीर पतला लंबा नालवत होता है, 50 से 300 mm इनका शरीर क्या होता है लंबा होता है और एक काइटिन युक्त खोल में बंद होता है। और बताया था इसमें कि आहार नाल का क्या होता है? अभाव होता है। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा संघ ओ नाइकोफोरा, इसमें बेटा हमने बताया ये बिलों में रहने वाले जीव होते हैं, स्थलीय होते हैं, इनका शरीर 50 mm लंबा व पतला नालवत एवं खंड विहीन होता है। अग्र छोर पर क्या पाए जाते हैं? दो जोड़ी एंटीने पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया संघ आर्थ्रोपोडा, इसमें हमने बताया कि इसमें जो जीव आते हैं वो प्रायः जलीय, स्थलीय, वायवीय एवं इनका शरीर खंड युक्त होता है, अर्थात सिर, वक्ष एवं उदर में क्या होता है? विभक्त होता है, जिसका उदाहरण हमने बताया केकड़ा, केकड़ा, झींगा, मक्खी, मच्छर आदि। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।